हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। बच्चों हम आज पढ़ेंगे बाय द हेंडरसन इक्वेशन को। हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे, है ना बच्चों। तो शुरू करते हैं बेटा यहाँ पे पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। पीएच बेटा हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑफ बफर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ बच्चों ये है बफर सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे आपको हमने बफर सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि बफर सॉल्यूशन वो होता है जो क्या होता है। यहाँ पे देखिए है, हमने बताया भी है आपको कि हाईली रेजिस्टेंस होता है, हाईली रेजिस्टेंट टू चेंज इन पीएच व्हेन स्ट्रांग एसिड या बेस इज एडेड, राइट। अच्छा, ये बफर सॉल्यूशन आल्सो हैज पीएच क्या करता है, क्लोज द पीके ऑफ द वीक एसिड इन द बफर सॉल्यूशन, राइट। चलिए, हमने इस पर डिस्कस किया था आपसे क्लास में भी। तो बच्चों हम आते हैं पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो ये हम कह सकते हैं कि पीएच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेट, किसे हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। तो बेटा हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे कि पीएच जो होता है, पीएच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। पीएच ऑफ बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक, पीएच ऑफ लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक, या हम लिखेंगे बच्चों एंड बेसिक, यहाँ लिखेंगे बेटा बेसिक। पीएच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है बच्चों, हम कहेंगे यहाँ पे बफर सॉल्यूशन, राइट। बफर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी हम क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब बच्चा किसके थ्रू करेंगे हम, ये है आपका, ये है हेंडरसन, हेंडरसन बच्चों और इक्वेशन से, ठीक है ना, ये हेंडरसन से इक्वेशन से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम इस करते हैं पहले बच्चों पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। तो हमने लिया यहाँ पे कि पीएच पता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों बोलते हैं पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर, पीएच ऑफ एन हम बेटा यहाँ बोलते हैं एसिडिक क्या है बच्चों, बफर, राइट। तो पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर, अब हम देखें यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, कंसीडर करते हैं। मान लिया हमने डिसोसिएशन लिया है वीक एसिड का, अगर हम वीक एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा ना, एसिटेट आयन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। तो बेटा हम यहाँ पे कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर, क्या करेंगे बेटा हम बच्चों यहाँ पे करेंगे कंसीडर द डिसोसिएशन, क्या करेंगे बेटा यहाँ बच्चों क्या करेंगे, कंसीडर द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन पता ही है, डिसोसिएशन आयनाइजेशन होता है ऑफ वीक एसिड, क्या होता है बच्चों यहाँ पे, आप बेटा हमने लिखेंगे यहाँ पे वीक एसिड, हियर इज द वीक एसिड। वीक एसिड हम कौन सा लेंगे, हम एसिटिक एसिड ले सकते हैं, एसिटिक एसिड तो जानते ही हैं, मैंने बताया भी है क्लास में कि कॉमन नेम होता है और आईपीसी नेम एथोनिक एसिड होता है। तो बच्चों हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो बेटा ये देखिए बच्चों, सारे बच्चे देखें यहाँ से ध्यान से, हमने यहाँ लिया एसिटिक एसिड, ठीक है ना, किस में लिया बच्चा, हमने बच्चों डिसोसिएट किया वाटर के अंदर, जैसे हम वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएशन बेटा यहाँ पे शुरू हो जाता है, सारे बच्चे ध्यान दें, ठीक है। तो हमने बच्चों क्या लिया यहाँ पे, हमने लिया वीक एसिड लिया, तो वीक एसिड क्या है यहाँ पे, CH3 ये है बेटा COOH, यानी वीक एसिड लिया हमने बेटा, और हमने यहाँ पे क्या लिया, प्लस हमने बेटा यहाँ पे बच्चों लिया वाटर, क्या लिया बेटा यहाँ हमने वाटर लिया, राइट। वाटर को हमने क्या किया, जैसे हम एक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं एसिटिक एसिड को, तो क्या होता है बच्चों, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटेट आयन बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखिए ये बन गया आपका एसिटेट आयन बन गया बेटा, और प्लस क्या हो गया बच्चों यहाँ पे H2O+ हो गया, राइट। अब बच्चों हम आते हैं, हमें पढ़ा है, देखिए ये हमने बोला था आपको कि ये पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हमने क्या बोला था कि हम यहाँ पे पीके लेके चलेंगे, अब प्लस बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये लॉग हो जाएगा, लॉग क्या होगा, ये एसिटेट आयन होगा, ये देखिए CH3 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट,
तो बेटा यहाँ पे हमने क्या लेना है, देखिए CH3 हमें लेना है COO, यह हमने लिया बच्चों। अब ये क्या होगा, ये कंजुगेट बेस होगा, होगा कि नहीं होगा, कंजुगेट बेस होगा बेटा। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे अभी ले लिया हमने बच्चों यहाँ पे CH3, अब बेटा ले लिया COO, हमने ले लिया H, ये हमने ले लिया बेटा एसिड ले लिया, ठीक है ना। तो ये एसिड हो गया। अब बच्चों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनरल इक्वेशन कैन बी रिटर्न, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनरल, बेटा हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन है ना बेटा, कैन बी रिटर्न, हम लिख सकते हैं कैन बी रिटर्न, ठीक है। हम कैसे बेटा रिटर्न करेंगे, हमने लिया, हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों पीएच लिया, राइट। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये पीके हो गया, क्या हो गया, ये पी के और ए हो गया। अब प्लस बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया, लॉग लिया, लॉग ये क्या है, कंजुगेट बेस है, ये क्या है बेटा, ये कंजुगेट बेस है, ये क्या है, ये एसिड है। तो हम बच्चों यहाँ पे लेंगे कंजुगेट, क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा कंजुगेट बेस, ये हो जाएगा कंजुगेट बेस है ना, और ये बच्चों हो जाएगा एसिड, क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे एसिड। तो ये देखिए एसिड हो गया। अब तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इस पॉइंट को लिखते हैं कि मैक्सिमम, देखिए यहाँ होता क्या है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एस्टेट आयंस कम फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ साल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एस्टेट से। तो एक क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम बेटा हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन क्या है बच्चों, आप यहाँ पे बेटा ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन आयंस क्या होते हैं बच्चों, कम आते हैं, कम फ्रॉम द डिसोसिएशन, कम फ्रॉम द डिसोसिएशन, कम फ्रॉम द डिसोसिएशन बच्चों, ये हो गया आपके ऑफ साल्ट, किस में आएंगे, सोडियम एसीटेट। ऑफ साल्ट कौन होगा, ऑफ साल्ट आपका होगा सोडियम एसीटेट। अरे भाई साल्ट किससे बनता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पता है आपको। तो ये देखिए हमने ले लिया बेटा CH3COO, ये बेटा हो गया N और ये A, ठीक है, तो ये हो गया सोडियम। अब हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं बेटा, बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन कैन बी रिटर्न, हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, इक्वेशन बच्चों कैन बी रिटर्न कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका pH इज इक्वल टू हो गया बच्चों pKa एसिड हो गया, अब प्लस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा साल्ट, pKa हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा साल्ट, ये क्या हो गया बच्चों एसिड, क्या हो गया बेटा यहाँ पे एसिड। तो इस तरह से क्या करते हैं बच्चों, हम ही निकालते हैं pH इज इक्वल टू pKa साल्ट अपॉन बेटा ये एसिड हो गया। अब बच्चों दूसरा हम कह सकते हैं फर्दर, इफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ एसिड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa हो जाएगा। तो ज़रा इसको भी हम करते हैं, यहाँ पे हमने बेटा यहाँ पे किया फर्दर, बच्चों हमने किया यहाँ फर्दर, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है, यहाँ कंसंट्रेशन आपका साल्ट समझ में आ रहा है, इज इक्वल किसके हो जा रहा है, हम कह सकते हैं बच्चों इज इक्वल टू दैट ऑफ एसिड, टू दैट ऑफ एसिड बेटा, राइट। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएच इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये पीके के हो जाएगा। अरे भाई जब कंसंट्रेशन आप जो है साल्ट इज इक्वल टू एसिड के हो जाएगा तो ये वन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये पीएच हो गया आपका, देखिए क्या हो जाएगा, ये पी के एक, राइट। तो बच्चों ये हो गया भी हम देख सकते हैं इसे। अब दूसरा आते हैं पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर। अब हमने क्या किया था, अब तक हमने एचडी का निकाला था बेटा, अब दूसरा हम यहाँ पे बच्चों निकालते हैं पीएच ऑफ बेसिक बफर, क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ निकालेंगे बेटा पीएच ऑफ ए बेसिक बफर, ये बेटा हो गया बच्चों बेसिक, ये हो गया बेटा बफर, राइट। तो पीएच हमने किसका निकालने जा रहे हैं अब, बेसिक बफर का। इसके पहले हम किसका निकाले थे बेटा, पीएच हमने निकाला था
एस डी का, ये फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन भी बेटा करेंगे बच्चों, ठीक है मैम। तो ये हो गया बेटा पीएच। अब इस फार्मूले को आप एकदम लर्न कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब आते बेटा हम बफर का बेस का निकालते हैं। तो हमने क्या क्या है यहाँ पर लिया, कंसीडर, क्या कंसीडर किया भाई, ए डिसोसिएशन आप, हमने किसको लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस लेना है हमें। तो ये किसका डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, तो ये होगा, ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, हमने ले लिया NH4OH का बेटा हमने डिसोसिएशन किया, तो ये क्या बन गया, ये आपका हो जाएगा NH4+, तो ये हो जाएगा बच्चों OH-, ठीक है। अब हम बच्चों यहाँ पे लेते हैं POH लिया हमने यहाँ पे, तो POH किसके हो गया, ये बेटा बेस के हो गया, वो हमने एसिड का निकाला था, तो PKB हो जाएगा बेटा बच्चों। तो ये बच्चों हो जाएगा लॉग, हम क्या लेंगे यहाँ पे NH4+ हो गया, और बेटा हम लेंगे यहाँ पे NH4OH, NH4OH हमने यहाँ पे ले लिया, राइट। अब हम इसको जनरल इक्वेशन में लिखते हैं। अब हम यहाँ पे बिल्कुल देखिए सिंपल लिखते हैं, किस फॉर्म में, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल इक्वेशन कैन बी रिटन, जनरल इक्वेशन बेटा कैन बी रिटन, हम लिख रहे हैं बच्चों कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, तो रिटेन एज हम कैसे करते हैं बेटा, तो हमने ले लिया POH लिया, इज इक्वल टू हमने लिया PKB लिया, अब प्लस बेटा हमने यहाँ पे लिया लॉग ले लिया। अब बेटा यहाँ पे लिया कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड क्या लिया बच्चों, यहाँ पे हमने लिया कंजुगेट एसिड ले लिया, राइट, हमने बेटा कंजुगेट एसिड ले लिया, राइट। अरे भाई कंजुगेट एसिड होगा, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा बेस, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बेस, राइट। तो यहाँ हमने बेटा बेस ले लिया। अब फिर इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिया POH, ये बच्चा हो गया बेस, PKB हो गया, और ये बच्चा हो जाएगा लॉग, और यहाँ बेटा हो जाएगा ये साल्ट, क्या हो जाएगा ये बच्चा हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे लिखेंगे बच्चों साल्ट, अपान क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम ये बेस, है ना। इसको आपको थोड़ा सा बच्चे 2-3 बार बेटा इस वीडियो को देखना है ध्यान से और इसे करना है। और अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब ये आप हम जैसा कि जानते हैं, हमने बताया था क्लास में, इसमें क्वेश्चन भी कराया था आज, अगर घबराइए मत, आपको हम DP1 DP2 DP3 का पूरा सॉल्यूशन भी बना के देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो पहले से आप इसको थोड़े इस फॉर्मूले को कुछ आप पहले से आप प्रिपरेशन किए रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी क्वेश्चंस को। तो बेटा फार्मूले तो लर्न कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए pH है, हमने अभी क्लास में आज डिस्कस किया था, pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 14 की होता है ना बच्चों। तो अब बेटा हमने यहाँ पर बच्चों हमें यहाँ लेना है कि pH इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखिए pH ये हमने क्या लिखा, आपको पता होगा कि pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है, 14 के क्या था ना, ध्यान होगा आपको क्लास में। अब pH क्या हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा 14, कि ये 14 इधर आ जाएगा। अब POH की वैल्यू हम इधर रख देते हैं, इस pH को इधर रख देते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, P ले लिया, देखिए हमने P ले लिया, अरे भाई ये POH है बेटा, तो 14 हमने इधर लाया, अब pH को उधर ले गए, तो ये हो जाएगा PKB माइनस लॉग, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा साल्ट अपान क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, साल्ट अपान हो गया बेटा बेस, राइट। तो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लेता है बच्चों लेना है pH इज इक्वल टू क्या ले लिया, ये हो जाएगा 14 माइनस, ये हो जाएगा बच्चों PKB, ये हो जाएगा बेटा माइनस, ये हो जाएगा बच्चों लॉग, ये बच्चों हो जाएगा ये साल्ट अपान ये हो गया बच्चों, यहाँ बोलेंगे बेस, साल्ट अपन बेटा हो गया बेस। या हम बच्चों इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आर pH इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा, हम बच्चों करेंगे PKA प्लस लॉग, बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग साल्ट अपान क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बेटा साल्ट अपान क्या हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे साल्ट है, ये क्या हो जाएगा बच्चों बेस,
क्या हो जाएगा, ये साल्ट ये हो गया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बेस। तो इस तरह से बच्चों हम ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आपने देखा कि हमने कैसे इसको डेरिवेशन किया, कैसे हमने निकाला, है ना बच्चों। तो बेटा हम इस पर थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे कुछ, अच्छा ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी बेटा हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, आपके नोट्स में दिए हुए हैं ना बेटा। तो बच्चों आप लोग इसे कोशिश करिएगा, और नहीं तो फिर हम क्लास में भी इस पर क्या करेंगे, इस पर बेटा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, है ना। अब इसमें ये भी चीज़ें हैं कि आगे चलिए बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा एक चीज़ बेटा यहाँ पे करते हैं कि थोड़ा बफर, बफर ये तो हो गया आपका, बफर कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, फिर हम आगे आपके नोट्स की को भी करेंगे। तो बच्चों आते हैं यहाँ पे बफर, बेटा क्या होता है बफर बेटा, कैपेसिटी क्या होती है ये कैपेसिटी बच्चों, बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी होता है क्या बेटा, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड आर बेस एडेड वन लीटर ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू चेंज द बफर पीएच बाय वन यूनिट। अच्छा एक चीज़ है, इट्स मेजर क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस होता है ऑफ द बफर। लार्जर वैल्यू ऑफ बफर क्या होती है, कैपेसिटी मोर रेजिस्टेंट होती है, मोर इज द सॉल्यूशन क्या होता है, अब पी एच रेंज होता है। तो बफर कैपेसिटी को हम फाई से इंडिकेट करते हैं, किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, फाई से। तो चलिए जरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको करते हैं बेटा, कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ऑफ बेस, हम क्या कहेंगे बच्चों, नंबर ऑफ बेटा हम बच्चों कहेंगे मोल्स ऑफ एसिड आर बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड आर बेस एडेड, क्या करेंगे इसे हम एडेड इन किससे करेंगे बच्चों, वन लीटर से, किससे करेंगे वन लीटर से बेटा हम ऐड करते हैं ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, ऑफ ए किसे बच्चों हम करेंगे यहाँ पे बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो बच्चों अभी तो हमने नहीं किया, लेकिन हम इसके बाद जो आपके नोट्स को भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इसमें कर दिया जाए, तो इसमें हमने थोड़ा सा आपको कर दिया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चा नोट्स भी बहुत अच्छा है, उसमें से भी आप बहुत सारे एग्जांपल दिए, उसे भी करना है और इसे भी आप जो है करिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों को लेके आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन ए वन लीटर ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, राइट। तो क्या होगा, टू चेंज बफर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू चेंज हो जाएगा बच्चों इट्स पीएच, हम क्या करेंगे बेटा पीएच बाई क्या होगा बच्चों, बाई हम लिखेंगे वन यूनिट, क्या लिखेंगे यहाँ पे पीएच बाई वन यूनिट। इट्स मेजर क्या होता है, इफेक्टिव नेट, बस हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स मेजर क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव बेटा होगा नेस ऑफ ए बफर, क्या होगा इफेक्टिवनेस ऑफ ए बच्चों, ये हो जाएगा बेटा बफर, राइट। अब आते हैं लार्जर द वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी मोर रेजिस्टेंट, ये भी ध्यान रखना है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि लार्जर द वैल्यू ऑफ बफर, लार्जर द वैल्यू ऑफ क्या है बच्चों बफर, है ना, कैपेसिटी क्या होती है बच्चों कैपेसिटी। देखिए बच्चों जब आप बेटा वीडियो देखेंगे ना, तो कल वाले लेक्चर को समझने में आपको और आसानी होगी, और मान लीजिए कोई डाउट होगा तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जो भी बच्चे हैं वीडियो एकदम रेगुलर देखा करें, तो बेटा आप जब क्लास में आएंगे तो कोई डाउट होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो आप लोग वीडियो देखने में लापरवाही मत करिए, एग्ज़ाम करीब आ रहा है, अच्छे नंबर लाने हैं बेटा। तो जितनी बार आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे उतना ही जो क्या होगा वो एकदम कंसेप्ट उसका क्लियर होगा। अब मान लीजिए वीडियो पढ़ के आएंगे क्लास लेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, जहाँ डाउट होगा वहाँ डिस्कस कर लेंगे हम। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सारे बच्चे को मैं कह रहा हूँ बच्चों को कि आप जो इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखें, जहाँ नहीं समझ में दो बार तीन बार देखें पॉज करके, और फिर जहाँ कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करें, ठीक है ना बेटा। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा कि लार्जर द वैल्यू ऑफ बफर क्या होता है बच्चों, कैपेसिटी क्या होता है, इज मोर रेजिस्टेंट, ठीक है ना, मोर रेजिस्टेंट द सॉल्यूशन ऑफ पीएच क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ये बेटा हो जाएगा चेंज। अब आते हैं बच्चों बफर ऑफ कैपेसिटी,
अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पे बफर, बफर कैपेसिटी को हम किसे इंडिकेट करते हैं, ये ध्यान रखिए, बफर ऑफ कैपेसिटी को हम ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहते हैं हम कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है बेटा एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे, बेस को क्या करते हैं बच्चों, बेस को एडेड क्या करते हैं पर लीटर, पर लीटर है ना बच्चों, पर लीटर। तो ये क्या होता है बेटा, ये चेंज इन पीएच, हम क्या लिखेंगे चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा ऑफ बफर बच्चों हो जाएगा ये सॉल्यूशन, राइट। अब बच्चों ये देखिए फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे भी आप लोग थोड़ा सा लर्न करिए कि क्लास में पूछूंगा तो बताइएगा आप लोग, जब जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, फार्मूले को लर्न नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अब जितने हमने बताए हैं फार्मूले, हमने आयनिक प्रोडक्ट के बताया था कि पी एच पी ओ एच के इज इक्वल टू 14, ये जो सारे बेटा फार्मूले हैं आप लोग लर्न नहीं करेंगे तो हम न्यूमेरिकल कैसे कर पाएंगे, सारी चीज़ों को आपको ये थोड़ा लर्न करना होगा तभी हम जाके इसको समझना होगा, लर्न करना होगा तभी हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बेटा इसके कर पाएंगे। अब आते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, अब क्या आते हैं बच्चों यहाँ पे आते हैं कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बेटा क्या होगा बफर सॉल्यूशन, तो हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बेटा क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे ये बफर सॉल्यूशन, ये क्या होता है भाई थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी होता है किसी चीज़ का, तो बेटा हमने लिया एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो आपको ये पता होगा कि नॉर्मल जो ब्लड होता है, नॉर्मल ब्लड है पीएच कितना होता है 7.4, तो पीएच क्या करता है मेंटेन करता है किसके थ्रू, बाय बफर सॉल्यूशंस के, ठीक है ना। बफर में क्या होता है कार्बोनिक एसिड होता है। अब जैसे कैसे हम यहाँ पे करते हैं कि नॉर्मल ब्लड है, हम यहाँ बच्चों कहते हैं कि नॉर्मल जो होता है ब्लड है कितना पीएच होता है उनका, आप लोग भूल जाते हैं क्लास में, नॉर्मल ब्लड हैच बेटा क्या होता है पीएच को ध्यान रखिए बार बार यूज होगा आप जो होता है बच्चों 7.4, कितना होता है बेटा 7.4 पीएच। अब ये पीएच मतलब वही है ना मेंटेन क्या करता है, पीएच मतलब बताया ही है हमने आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, तो पीएच क्या करता है ये मेंटेन करता है, ये क्या करता है बच्चों यहाँ पे इसे मेंटेन करता है, क्या करता है बच्चों यहाँ पे ये मेंटेन करता है ना बाई किसके थ्रू बच्चा बफर के थ्रू, है ना बच्चों। बेटा हम ये कहना चाहेंगे ना आप लोग थोड़ा सा, अब देखिए एग्जाम करीब आ गया है और थोड़ा सा आप लोग जगने का कोशिश करिए, कम से कम जो बच्चे जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं 11 ट्वेल्थ के बच्चे, कम से कम बेटा कोशिश करिए कि 11:30 तक पढ़ाई करिए, या तो इधर आप लोग देर तक पढ़िए या फिर अर्ली द मॉर्निंग उठ के पढ़िए, है ना। तो थोड़ा सा तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा तभी अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्मल ब्लड है पीएच जो होता है बच्चों 7.4 होता है। अब पीएच क्या करता है इसको मेंटेन करता है किसके थ्रू करता है बच्चों, बाय बफर एक्शन, राइट बफर एक्शन। तो फॉलोइंग टू बफर्स होते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों फॉलोइंग बेटा हम कहेंगे कि टू बफर्स होते हैं, कितने होते हैं बच्चों टू बफर्स होते हैं। बहुत से बच्चे वीडियो देखते नहीं हैं और क्लास में आते हैं तो समझ में कैसे आएगा, डाउट कैसे पूछेंगे, तो आप जब वीडियो देख के आएंगे तभी तो डाउट पूछेंगे बच्चे, नहीं तो इस तरह बेटा और डाउट क्लियर होगा आपको कितना फ़ायदा होगा। तो मैं आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने बच्चे हैं रेगुलर वीडियो देखा करें। चलो हम यहाँ पे लेते हैं बफर, तो बफर आप बेटा कार्बोनिक एसिड हमने लिया, क्या लिया बेटा यहाँ पे हमने लिया कार्बोनिक एसिड। अब देखिए क्या है बच्चों यहाँ पर H2 है और ये CO3 लिया और Na एंड क्या लिया बेटा यहाँ पे NaH और हमने क्या लिया बच्चों CO3 लिया, राइट बेटा हमने NH3 लिया। तो बफर आप क्या आप सब दूसरा क्या लेते हैं यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे बफर आप फास्फोरिक एसिड, दूसरा हम लेते हैं बफर आप, तो हमने कार्बोनिक एसिड लिया बेटा यहाँ पे ये देखिए। अब बफर आप क्या हमने लिया यहाँ पे फास्फोरिक एसिड लिया, क्या लिया बच्चों हमने फास्फोरिक एसिड लिया। अब बेटा ये क्या होता है देखिए हमने लिया यहाँ पे H2PO4- K या हम कह सकते हैं HPO4- K। अब बच्चों एक थोड़ा सा बस एक लाइन और लिखते हूँ मैं यहाँ पे, इसी वीडियो तो बड़ा बन रहा है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा,
चलिए ठीक है, इस वीडियो को बस बस अच्छे से हम थोड़ा सा लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड लिया बेटा, और हमने लिया बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया हमने? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बफर इज यूज्ड हम क्या करते हैं बच्चों? बफर इज हम यहाँ पे यूज्ड करते हैं फॉर द, किसके लिए बेटा? यहाँ पे लिखते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये? प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड ग्रुप। आप बेटा यहाँ पर लिखेंगे थर्ड ग्रुप, ठीक है ना? ग्रुप होता है बच्चों ये क्वालिटेटिव, ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से हम बच्चों क्या करते हैं, चलिए हम इस पर और भी डिस्कस करेंगे। आज बेटा हम इस पर इतना ही रहने देते हैं कि वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो हम आज इसको यहीं पे बेटा ये इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बफर ऑफ फास्फोरिक एसिड ये हो गया NH4NO2। बफर यूज फॉर द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि टू लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड क्या होता है कम्प्लीट डिजॉल्व होता है, और एक लिक्विड क्या होता है डिजॉल्व नहीं हो पाता है, फ्लोट करता है या फिर बॉटम के नीचे जो है क्या होता है, बॉटम के नीचे क्या होता है बैठ जाता है छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो बच्चों चलिए आज हम यहाँ पे इसको इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं बेटा, फिर आगे हम इस वीडियो को हम फिर कंटिन्यू करेंगे फिर क्लास में बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? तो प्लीज़ सारे बच्चे इसे एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जहाँ नहीं आएगा हम क्लास में डिस्कस करेंगे डाउट, ठीक है? ओके बच्चों।